इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे देश में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रुख करते हैं आज की खबरों की ओर और ये पहली खबर गुजरात नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी से हमारे पास आ रही है, जहां पर स्वामीनारायण बीएससी नर्सिंग कॉलेज में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया था। इसमें कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। छात्रों के हाथों में राखी बांधकर भाई बहन के पवित्र प्रेम का एक उदाहरण पेश किया। बीएससी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों की परीक्षाएं 19 अगस्त को शुरू होने वाली हैं, अतः वह त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव नहीं जा पाए थे, इसलिए नर्सिंग कॉलेज में ही यह रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। इस कार्यक्रम के बारे में बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल संगीता बहन पंचाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं गुजरात से हमारे संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया। हमारे स्वामीनारायण नर्सिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। उनकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम 19 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स रक्षाबंधन का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए घर पर नहीं जा पाए। तो उनकी फीलिंग्स का ध्यान में रखते हुए मैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल घनश्याम सर और डायरेक्टर सर कुलदीप सिंह गोहिल ने ये डिसाइड किया कि उनके लिए रक्षाबंधन का सेलिब्रेट इधर ही सेलिब्रेट किया जाए। तो हम सब लोग, सभी स्टाफगण के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के साथ रक्षाबंधन का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को राखी बांधी और गिफ्ट दी। श्री समीरा नर्सिंग कॉलेज की ओर से सभी स्टाफगण और सारे स्टूडेंट्स को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।